हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अगला विशाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज बात करने वाला हूँ एक रिक्शा के बारे में। जो बहुत भाई लोग हैं वो रिक्शा चलाते हैं और उनकी रोजी रोटी पूरी करते हैं, तो मैं आज उनके बारे में बात करूँगा और उसका जो कितना है या नहीं है, आप उनका आ सकते नहीं हो। तो मैं आपको वीडियो बना के दूंगा रिक्शा के बारे में। जहाँ पे मैं आया हूँ उसका नाम है TVS पाक्षकर, जो अहमदाबाद में जम्मू में सरखेज और यहाँ पे बावला है, बावला वाला हाईवे। मैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और यहाँ पे धूप भी बहुत है और मेरे को बहुत गर्मी भी हो रही है, तो मैं फटाफट जाके आपको मैं पूरा इसका वीडियो बना के देने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ। पहले मैं आपको शोरूम दिखा देता हूँ कैसा है। तो यहाँ पे देखे तो कुछ ऐसा है कि गुजराती में लिखा हुआ है भास्कर TVS, और यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो आप आ सकते हो यहाँ पे और विजिट भी कर सकते हो। और मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कैसा लुक है यहाँ पे, जो रिक्शा खड़ी है मैं उसका वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ। हेलो गाइस, यहाँ पे देखे तो कुछ ऐसा लुक मिलने वाला है TVS किंग डिलक्स का, 4S का। यहाँ पे पूरा लुक यहाँ पे मिलने वाला है, ऊपर येलो मिलने वाला है, नीचे ग्रीन मिलने वाला है। तो पहले रिक्शा वही आती थी, कुछ ऐसे ही लुक आपको मिलने वाला है जब आप देख रहे हो रोड पे। तो मैं आपको पूरा इसका लुक दिखाने वाला हूँ। CNG में भी कितना वाले दे रहा हूँ उसके बारे में बात करेंगे आज। तो यहाँ पे फ्रंट पे आ जाए तो फ्रंट कुछ ऐसा मिलने वाला है आपको लुक यहाँ पे देखे तो। और यहाँ पे TVS किंग भी लिखा हुआ है, ग्रे में लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए आगे अगला वाला पोर्शन देखे तो क्या ही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो मैं आपको पूरा आगे से लुक दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे आपको TVS किंग यहाँ पे लिखा हुआ मिलने वाला है यहाँ पे देखे तो, ओके। और नीचे देखे तो यहाँ पे कुछ जॉइंट आपको मिलने वाली, यहाँ पे येलो पेंट किया हुआ है और यहाँ पे ग्रीन पेंट किया हुआ है। यहाँ पे आप अपना नंबर प्लेट भी लगा सकते हो यहाँ पे बड़ी वाली। और यहाँ पे हेडलाइट देखें तो हेडलाइट आपको हेलोजन सेटअप में मिलने वाली है, यहाँ पे भी हेलोजन सेटअप में मिलने वाले, बट इंडिकेटर नहीं यहाँ पे मिलने वाली है आपको। यहाँ पे पूरा मैट फिनिश लुक मिलने वाला है, बट बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे पोर्शन बढ़िया स्मार्ट लुक देने के लिए यहाँ पे किया गया हुआ है। यहाँ पे TVS लिखा हुआ है, क्रोम में TVS लिखा है, यहाँ पर भी आपको मैट फिनिश मिलने वाला है। ऊपर देखे तो विंडशील्ड में, तो विंडशील्ड कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है अगले वाला। और यहाँ पे भी आपको वाइपर मिलेगा, बट वॉशर नहीं मिलेगा इस कार में। साइड में देखे तो मिरर कुछ ऐसा मिलने वाला है यहाँ पे आपको। यहाँ पे आपको मैट फिनिश यहाँ पे लुक मिलने वाला है यहाँ पे देखे तो, बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे देखे तो आगे अगला वाला तो भी आपको जो है फ्रंट आपको यहाँ पे देखे तो सस्पेंशन के साथ आपको मिलने वाला है, और सस्पेंशन इस साइड मिलने वाला है, उस साइड जाके आपको मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर टायर से 4.00 ये वो लिखा हुआ है, यहाँ पर टायर से वो छोटा मिलने वाला है। और यहाँ पे गोल्डन कलर में यहाँ पे जो टायर साइज है यहाँ पे गोल्डन रिम आपको मिलने वाले है, जो अलग ही अट्रैक्ट कर रहा है लोग यहाँ पे। यहाँ पे TVS के आपको टायर मिलने वाला है इस कार में। उस साइड आपको मैं सस्पेंशन दिखाता हूँ यहाँ पे आगे, तो सस्पेंशन कुछ ऐसा मिलने वाला है, यहाँ भी आपको सस्पेंशन मिलने वाला है सबको बढ़िया। और यहाँ पे देखने वाला है, और यहाँ से जो वायर जा रही है ये वाली आपको ब्रेक देने वाली है। और यहाँ पे जाएंगे जो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर में दिखाएगा कितनी चल रही है कितनी नहीं चल रही, ओके। और यहाँ पे आपको अभी तो FI वाला आ गया, यहाँ पे 3.6 टेक्नोलॉजी भी आ गई है इसका अभी भी। और यहाँ पे देखिए हेलोजन सेटअप में आपको बड़ा फोकस देने वाली है, और रोड वे भी आपको रोड प्रेजेंस भी आपको अच्छा मिलने वाला है। जो भाई लोग चलाते हैं इस कार को क्या यहाँ पे रिक्शा को चलाते हैं तो उनको पता होगा कि क्या ही आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे माइलेज भी देगा, और यहाँ पे आपको जो है आप इसमें भी आपको लगा सकती हो और हेलमेट, ओके। अंदर जाके आपको दिखा तो कैसा अंदर है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ ऐसा मिलने वाला है, CNG का यहाँ पे मिलने वाला है आपको ऐसा है। और इस साइड देखे तो यहाँ पे OBC यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे डैशबोर्ड देखे तो डैशबोर्ड कुछ ऐसा मिलने वाला है, पूरा आपको ब्लैक आउट ही मिलने वाला है डैशबोर्ड इसका। तो यहाँ पे सीट कंफर्ट देखे तो यहाँ पे भी आपको सीट कंफर्ट मिलने वाला है, यहाँ पे फाइबर की आपको सीट मिलने वाली, यहीं पर भी आपको फाइबर की ही सीट मिलने वाली है। बट यहाँ पे लेदर लिखा हुआ है, बट लेदर अच्छा है, और यह भी आपको बढ़िया होगा, चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। और अंदर देखे तो यहाँ पे नीचे देखे तो यहाँ पे कोई भी आपको कपड़ा नहीं मिलेगा, आप खुद से ही लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपको पैर रखने के लिए मिलने वाला है, यहाँ पे ब्रेक दबाओगे तो यहाँ पे आपको पैर रहने वाला है। यहाँ पे कूलेंट आ गया ब्रेक का, यहाँ पे हैंड ब्रेक आ गया इसकी, और यहाँ पे किक स्टार्ट भी आप कर सकते हो, यहाँ पे आप किक स्टार्ट हो गई। अभी हम बैठ जाते हैं इसमें तो हम भी रिक्शा चलाने वाले हैं रिक्शा। और यहाँ पे अंदर देखे तो कुछ ऐसा अंदर लुक मिलने वाला है स्टेयरिंग का, तो स्टेयरिंग आपको जो है बाइक वाला ही मिलने वाला है। बट आपको पहले जो ओला आता था ना, पहले आपको पता होता स्कूटर आता था, स्कूटर में आपको यहाँ पे आपको मिलता था गियर, तो यही से कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ पे गियर देखे तो एक 4 गियर मिलने वाले, एक न्यूटन आपको मिलने वाला, और एक यहाँ पे रिवर्स भी
आ गया। स्पीडोमीटर देखे तो स्पीडोमीटर कुछ ऐसा मिलने वाला है, यहाँ पे कितनी चली हुई कितनी नहीं चली वो दिखाने वाला है, और यहाँ पे 80 तक इसकी टॉप स्पीड दिखाई गई, और यहाँ पे TVS लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे पूरा मैट फिनिश आपको मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको जो लोखंड वाला मिलने वाला है बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड आपको पूरा ब्लैक आउट में मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको फॉग भी आ जाएगा जो आपको बाइक में जो है एक्टिवा में आता है वैसा मिलने वाला है। यहाँ पे देखे तो कुछ ऐसा मिलने वाला है, यहाँ पे गियर नॉब भी आपको दिखाने वाला कितना है क्या गियर दिखा रहा है, थोड़ा पार्किंग के लिए भी दिखाई, और इस साइड देखे तो यहाँ पे आपको हजार भी आ जाएगा, यहाँ पे हजार भी दिया हुआ है इन्होंने, और यहाँ पे CNG के लिए और यहाँ पे पेट्रोल के लिए, ठीक है। यहाँ पे CNG भी आप करवा सकते हो, और यहाँ पे हम देखें चाबी तो चाबी कुछ ऐसी मिलने वाली, छोटी चाबी आपको मिलने वाली बट बड़ी है, और माइलेज भी आपको देने वाली है इस कार में। अभी कर देते हैं यहाँ पे इसको लगा देते हैं, अभी ऑफ है। तो यहाँ पे देखे तो कुछ ऐसा मिलने वाला है, यहाँ पे फर्स्ट गियर है और यहाँ पे G लिखा हुआ मिलने वाला है। इस साइड देखे तो यहाँ पे न्यूटन में अभी लगाई हुई है, न्यूटन है, और यहाँ पे आपको इंजन भी आपको दिखाने वाला है, इंजन स्टार्ट है या नहीं, स्टार्ट करोगे तो ये चला जाएगा सब, ठीक है ओके। और यहाँ पे देखे तो यहाँ पे आपको जो है सर्किट मिलने वाला है जो अच्छा मिलने 5 वोल्ट का ही आपको मिलने वाला है, 5 वोल्ट का ये, ठीक है। अभी कर देते इसको बंद, यहाँ पे देखे तो प्रे स्टार्ट था, मैं आपको प्रे स्टार्ट यहाँ पे देखे तो कुछ ऐसा मिलने वाला है, यहाँ पे आप स्टार्टिंग यहाँ पे प्रेस करोगे रेड बटन को तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखे तो वाइपर के कंट्रोल आ गए, और यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल मिलने वाले हैं। ओवरऑल आ गया, यहाँ पे हैंडल आ गया, इस हैंडल में देखे तो यहाँ पे आप इंडिकेटर भी जलने वाली है, और यहाँ पे लाइट भी जला सकते हो, ऊपर कर सकते हो, डाउन भी कर सकते हो डिपर वाला, और यहाँ पे हॉर्न आ गया इसका ओके। ओवरऑल अंदर से आ गया तो यहीं पे भी आपको मैट फिनिश मिलेगा, बट ये ना ये वाइपर का यहाँ पे मिलने वाला है आपको, और अंदर से देखे तो येलो येलो ही दिखाने वाला, यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, कपड़े यहाँ पे लगाए हुआ है तो बढ़िया है, और आप एसेसरीज भी करा सकते हो इस रिक्शा में। और यहाँ पे देखे तो आपको लाइट मिलने वाली है, जो हेलोजन सेटअप में आपको लाइट मिलने वाली है, हेलोजन सेटअप में मिलेगी, ठीक है ओके। और यहाँ पे वायरिंग बाहर है, तो ऐसा तो कुछ आपको मिलने वाला है, आपको रिक्शा ही चलानी है और रिक्शा चलाओगे तो ऐसा मिलने वाला है। यहाँ पे आपको स्पीकर का ग्रिल भी यहाँ पे दिखाने वाला है, स्पीकर भी आप डला सकते हो इस कार में, और म्यूजिक सिस्टम भी डला सकते हो। तभी कर देते हैं इसको बंद ओके, अभी कर दिया इसको बंद। अभी हम चले जाते पीछे की ओर, तो पीछे से मैं आपको जाने पहले कुछ यहाँ पे दिखा दूँ, तो कुछ ऐसा लुक अंदर से आने वाला है पीछे वाला, तो ऐसा ही लुक आपको मिलने वाला है बढ़िया। और अंदर देखे तो पीछे भी स्पेस यहाँ पे मिलने वाला है आपको, और यहाँ पे पूरा यहाँ पे जो आपको पहले रिक्शा में बैठते हो तो कुछ ऐसे ही मिलने वाला है, नहीं भी आपको जो यहाँ पे डंडी मिलने वाली है जो आपको कंट्रोल करेगी, इस छत को कंट्रोल करने के लिए बनाएंगे। और यहाँ पे जब यहाँ पे आपको वो लोग यहाँ पे आपको जो रूफ देते, यहाँ पे कपड़े की रूफ नहीं देते, तो इसकी प्राइस हाई चली जाती है, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे ए दिया हुआ है। तभी मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ तो कैसे बैठना है आपको, और मैं पूरा आपको लुक दिखाऊंगा अंदर से, तो यहीं से नहीं जा सकता तो मैं उस साइड से जाऊंगा, तो यहीं से मैं चला जाता हूँ तो धीरे धीरे। तो यहाँ पे आपको जो मिलने वाला है इसका लुक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको बोटल होल्डर भी यहाँ पे रख सकते हो अपनी बोटल बड़ी वाली, और यहाँ पे आपको किक स्टार्ट मिलने वाला है, और यहाँ पे दो आराम से लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे, बट यहीं पे एक ही पर्सन यहाँ पे बैठ सकता है रिक्शा चलाने वाला। और यहाँ पे आपको बूट स्पेस भी यहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पे आप चाबी लगा के खोल सकते हो, कितना बूट स्पेस है वो भी आपको मिलेगा। मैं आपको खोल के यहाँ पे दिखा देता हूँ तो कितना है इसका बूट स्पेस, ठीक है, यहाँ पे ऐसा खुल चुका है, और यहाँ पे आपको बूट स्पेस भी ज़्यादा ही मिलने वाला है। अभी खोल के दिखाते यहाँ पे बूट स्पेस देखे तो इतना मिलने वाला है, आप अपना फ़ोन बोर्ड रख सकते हो यहाँ पे। अभी कर देते इसको बंद ओके, अभी कर दिया इसको बंद, और यहाँ पे हम चाबी लगा देते। हम चले जाते पीछे की रो में, तो कुछ ऐसा मिलने वाला है, यहाँ पे आप लॉक खोल सकते हो, लॉक यहाँ पे ही है, यहाँ पे आपको जो है दरवाज़ा मिलने वाला है, छोटा है बट बड़ा दिमाग आपको करने वाला है। अभी कर देते इसको बंद, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे कपड़ा यहाँ पे यूज़ किया है, बट कपड़ा बढ़िया लग रहा है क्वालिटी का ये। और अंदर से देखिए स्टेयरिंग, तो स्टेयरिंग कुछ ऐसा मिलने वाला है, जब आप रिक्शा में बैठे होंगे तो कुछ ऐसे ही आपको मिलने वाला, आप बैठते ही हो और मैं भी बैठता ही हूँ अभी। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे सब लोग यहाँ पे रिक्शा में बैठते ही, मैं भी बैठता हूँ अभी भी बैठता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बैठना चाहिए, सभी बैठते हैं और रिक्शा में बैठना ही चाहिए, आपको पता भी चलता है, ज़मीन पे रहना चाहिए। तो मैं आपको अंदर से बैठता हूँ तो कम्फर्ट देखे तो मेरे कम्फर्ट में बढ़िया है। और यहाँ पे मैं ऊपर से देखे तो इसका हेडरूम भी बढ़िया आपको मिलने वाला है, इसकी 1800 mm की जो है इसकी हनट मिलने वाले, और विंड बेस भी आपको बढ़िया है, और यहाँ पे चला सकते हो, और यहाँ पे CNG भी आपको सिलेंडर आगे ही मिलता है, पीछे कुछ भी कहीं भी आपको नहीं मिला, पीछे तो इंजन मिलता है ना, पीछे जो आपको इंजन आपको मिलेगा 200 cc का इंजन मिलेगा जो 8 BHP निकाल देगा,
ठीक है। और यहाँ पे जो माइलेज के बारे में सीन जी में, तो आपको 150 या 200 का माइलेज आराम से दे देगी। आप रिपेयर करोगे, आप अच्छे से चलाओगे तो आपको 200 का माइलेज आराम से दे ही देगी। एक टैंक में आपको आइंदा मेरे हिसाब से 168 यहाँ पे आपको चली जाएगी, तो बढ़िया है। आपको 150 और यहाँ पे माइलेज देगी, तो 1 kg में 42 किलोमीटर चलने वाली, 1 kg में 42 किलोमीटर चलेगी, तो बढ़िया ही है। आपको कितना ही है, आप आराम से चला सकते हो। और ये भी मैं कंफर्ट बैठा, तो मैं आपको बैठने की तरीके दिखाता हूँ कैसे बैठते हैं। कुछ मैं ऐसे बैठा हूँ और यहाँ पे लेग स्पेस देगी, तो लेग स्पेस भी आपको बढ़िया मिलने वाला है। आराम से 3-4 लोग तो आराम से बैठ ही सकते हो इसका, इस रिक्शा में। और यहाँ पे छोटे छोटे आपको यहाँ पे गेट भी मिलने वाले, गेट में यहाँ पे मैट फिनिश यहाँ पे टचिंग की गई है, तो बढ़िया लग रही है, सुंदर लग रही है। यहाँ पे थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का यहाँ पे यूज़ किया है। और यहाँ पे देखे तो यहाँ पे आपको लोखंड का मिलने वाला है पाइप, ठीक है। और अंदर देखे तो यहाँ पे जो है आप पकड़ भी सकते हैं, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे बैठे हो तो आप पकड़ भी सकते हो, क्योंकि आप गिर ना जाओ रिक्शा में, थोड़े थोड़े वो आते हैं गड्ढे आएंगे, तो यहाँ पे आप पकड़ के आप बैठ सकते हो तो गिर ना जाओ। इस साइड भी कुछ ऐसे मिले, दो ही मिलने वाले, तीसरा भी यहाँ पे लटका हुआ है, तो यहाँ पे लटका सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ऐसे लटका सकते हो सॉरी, और यहाँ पे आप लटका सकते हो इसको। ओके, अंदर पीछे देखे तो यहाँ पे आपको ऐसा मिलने वाला है, यहीं से चला जाएगा। और यहाँ पे स्पेस देखे तो स्पेस कुछ ऐसा मिलने वाला है आपको, आपका लगेज यहाँ पे जो है कस्टमर का लगेज यहाँ पे आराम से आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे भी लगेज आ जाएगा और यहाँ पे भी आपको लगेज तो आराम से बड़ा बड़ा दो बैग तो आराम से आ जाएगा। और यहाँ पीछे देखने के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा, पर यहाँ पे प्लास्टिक आपको मिलेगा, कांच नहीं मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे प्लास्टिक आपको मिलने वाला है, तो बढ़िया है। और यहाँ पे पीछे वाले को यहाँ पे देखे तो पीछे दिखना ही चाहिए, ऐसे कुछ यहाँ पे मिरर में दिख रहा है, तो ऐसे ही आपको मिलने वाला है। तो मैं खुद पीछे जाके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मैं उतर जाता हूँ, तो यहाँ पे उतरने के लिए कस्टमर को कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा, और यहाँ पे खोल के या फिर चला जा सकता है, तो मैं भी चला जाता हूँ, ऐसे ही कस्टमर बन के आया था। ओके, और यहाँ पे देखे तो यहाँ पे डिलक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखे यहाँ पे ग्रे में और यहाँ पे ब्लैक में, यहाँ पे ब्लैक आउट यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे डिलक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे पेट्रोल कटिंग आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे देखे तो इसके स्टैंडिंग देखे तो यहाँ पे कुछ बाहर निकला हुआ रहा पोस्टर, तो बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा रेड किया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चमकेगा है, और यहाँ पे बढ़िया लगेगा आपको। यहाँ पे जो है येलो में आपको मिलना, और यहाँ पे स्केचिंग देखे तो क्या ही लग रही है, अलग ही आपको टोन मिलने वाला है इसमें। मैं आपको पीछे जाके दिखाता हूँ तो कैसे आपको लुक मिलने वाला है, कि यहाँ पे देखे तो TVS King BSV यहाँ पे लिखा हुआ है FI। ओके, और यहाँ पे टेल लाइट देखे तो कुछ टेल लाइट आपको मिलने वाली, ऐसी यहाँ पे देखे तो आपको इंडिकेटर मिलने वाले, और इसी साइड में यहाँ पे रिवर्स लैंप यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे आपको ब्रेक दबाने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगा सकते हो इस कार में, और यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे आपको लाइट भी मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे इसी के लिए यहाँ पे आप लगा सकते हो, यहाँ पे आपको इंजन मिलने वाला है इसका। और इस साइड देखे तो यहाँ पे आपको रिवर्स लैंप मिलने वाला है, और यहाँ पे CNG का भी आपको बेच मिलेगा, और यहाँ पे आपको बम्पर भी पिछले वाला मिलेगा, तो कोई ठोक ठाक ना दे इसीलिए यहाँ पे पूरा ग्रीन भी मिलेगा। और यहाँ पे पीछे जाके देखे तो कुछ ऐसा मिलने वाला है, इसका लुक बढ़िया लग रहा है। और साइड में देखे तो कुछ ऐसा मिलेगा, और इस साइड भी कुछ ऐसा मिलने वाला है, आपको बढ़िया लग रहा है ये भी। ओके, और ओवरऑल लुक आगे ऊपर से देखे तो ऊपर कुछ ऐसा मिलने वाला है आपको। ओके, और मैं आपको दिखाता हूँ इसके टायर साइज, तो यहाँ पे टायर साइज आगे आगे वाला दिखा, तो आगे वाला कुछ ऐसा मिलेगा आपको, और बढ़िया ही लग रहा है मेरे हिसाब से, और मुझे भी अच्छी लगी। तो मैं आपको प्राइस मेंशन कर दूंगा इसमें, डिस्क्रिप्शन में आपको प्राइस भी मेंशन कर दूंगा, और यहाँ पे शोरूम का भी जो है मैं आपको जहाँ पे हो उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा लिंक, आप इसमें जा सकते हो। और यहाँ पे डीलरशिप भी अच्छी है, और यहाँ पे रिक्शा खड़ी हुई है, और आपको लगा भी सकते हो। हेलो गाइस, आपने ओवरऑल वीडियो तो देख लिया होगा TVS जो है किंग 4S का, तो आपने ओवरऑल वीडियो देख लिया, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आपके भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे।